Hi friends, NDA students, आज आप लोगों के सामने एक प्रश्न है जो मेरे मन में बार बार आता है और बहुत सारे आप में से छात्र हैं जो पूछे भी हैं कि सर किसी कंपटीशन में सफलता कैसे पा सकते हैं, कि सर एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक कर सकते हैं एट फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, सर एक दो तीन बार में कैसे अपनी सफलता को पा सकते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स इन माई कोचिंग सेंटर और इन माई इंस्टीट्यूशन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट के लिए वो तैयारी कर रहा है और सारे स्टूडेंट्स के मन में ऐसी सवाल है कि सर दो बार दिए, तीन बार दिए, चार बार दिए, सर नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं सर क्वालिफाई कर आते हैं लेकिन कट ऑफ में नहीं आते हैं, उतना परसेंटेज नहीं आ पाता है। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, बहुत ज़्यादा मैं तरीका नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा तरीका आप इंप्लीमेंट करके देख चुके हैं और आप तैयारी कर रहे हैं तो शायद किसी न किसी तरीके से ही कर रहे हैं, लेकिन एक दो तीन तरीका मैं बताने जा रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग यूजीसी नेट, who want to crack in this year UGC NET. अब आपको किसी ने कहा होगा या आप स्वयं सोचे होंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन को बना लेते हैं 10 साल तो शायद ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप जितना भी सॉल्व पेपर्स बना लें लेकिन UGC NET कभी वो चेक नहीं करती है, वो आपके IQ को चेक करती है। आप सॉल्व पेपर देखेंगे कि आपके सामने ये बुक है, ये UGC NET सॉल्व पेपर है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 10 साल के क्वेश्चन हैं, लेकिन आप इस पुस्तक को पढ़ करके UGC NET एग्जामिनेशन नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अपने IQ को ठीक करना पड़ेगा और एग्जामिनेशन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होती है ना वो हमेशा आपके IQ को, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करती है। एक ही क्वेश्चन बार बार नहीं, पहले पैटर्न थी, दो साल चार साल पहले जब ऑफलाइन एग्जामिनेशन हुआ करती थी तो रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन होते थे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, अब बदल गया है। अब आपको भी अपने स्टडी के सिस्टम को, एडुकेशन के सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी सफलता आपके हाथों में होगा। इन योर हैंड हाउ यू कैन गेट योर सक्सेस, अपने हाथों में सफलता को कैसे पा सकते हैं, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। यस, देर आर मेनी थिंग्स, मेनी सिस्टम्स, मेनी वेज, मेनी स्टाइल्स टू प्रिपेयर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, बट वॉट आई एम गोइंग टू से हेयर, these are vital measure and very important for you all who want to crack the examination of UGC NET in this year. इस साल जो परीक्षा पास करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। आप सबसे पहले जिस सब्जेक्ट से हैं, आपकी पकड़ जिस सब्जेक्ट में है, ऑफ कोर्स आप जिस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, PG किए हैं, उसमें आपकी पकड़ अच्छी होगी और आप नेट उसी सब्जेक्ट से देने जा रहे हैं, तो अपने सब्जेक्ट पे कमांड तो होना ही चाहिए और निश्चित रूप से आपको हैवी ग्रिप अपने सब्जेक्ट पे करना है। और जितने भी 10 साल के 15 साल के क्वेश्चंस हैं उसके पैटर्न को पकड़ना है, ना कि उस क्वेश्चन को याद करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते क्या है, उसको याद कर लेते हैं। फ्रेंड्स ऐसे नहीं होगा, याद करके आप किसी भी एग्जामिनेशन को पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेम रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन आप नहीं पूछे जाते हैं। अब पूछे जाते हैं क्या, अब उस पैटर्न को पकड़ना है कि UGC NET बहुत चालाक है, आप जितना सोच रहे हैं उससे 10 कदम, वहां पे IAS और PCS के लोग बैठे रहते हैं, वो यही सोचते हैं कि स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ में आए। स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन इज नॉट फॉर सिलेक्शन, कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन इज फॉर रिजेक्शन। हम कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन होती है, चाहे वो डी ग्रुप का हो या UPSC का हो, PCS का हो, BPSC का हो, UGC NET हो, SET हो, TET हो, BET हो, कोई भी एग्जामिनेशन फ्रेंड्स, ये रिजेक्ट करने के लिए होता है, ना कि सेलेक्ट करने के लिए होता है। लेकिन हम लोगों के दिमाग में ऐसा भ्रम है कि एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हो जाएंगे, अरे ये तो रिजेक्ट करने के लिए ही एग्जामिनेशन लिया जाता है, इसमें फिल्टर्ड किया जाता है, या आपके अंदर वो टैलेंट है, क्वालिटी है, तो आप आगे बढ़िए, आप वहाँ पहुँचिए। ये तो एग्जामिनेशन इसीलिए होती है, तो आपको फिल्टर कर रहा है, आपकी क्वालिटी को फिल्टर, उसको क्वालिटी चाहिए ना कि आप चाहिए। आप ऐसे, आपसे कोई इंटेलिजेंट है वो जाएगा, क्योंकि उसको क्वालिटी से मतलब है, ना कि आपसे प्रेम है उसको, उसको क्वालिटी से प्रेम है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड से प्रेम है कि आप हर एक सिचुएशन को आफ्टर जॉब डील कर सकते हैं और उस इंस्टीट्यूशन को भी बेनिफिट, ऑर्गेनाइजेशन को भी दे सकते हैं जिसमें आपकी नौकरी होगी। ऐसा
इसीलिए गवर्नमेंट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को गवर्नमेंट क्योंकि उसको चलाना है, उसको रूल करना है, ना कि आपसे मोहब्बत करना है। इसीलिए ये जो आप पैटर्न है ना यूजीसी नेट का, इस पैटर्न को पकड़िए। इसमें आप फर्स्ट पेपर पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए। लोग फर्स्ट पेपर को करते क्या है, अरे चलो 30-35 नंबर तो आ ही जाएगा और अपना जो सब्जेक्ट है उसमें हाई स्कोर कर लेंगे। हाई स्कोर तो आप कर लेंगे अपने सब्जेक्ट में, लेकिन जो फर्स्ट है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अगर आप उसे इग्नोर करेंगे तो फिर वही होगी कि थोड़ा थोड़ा से आपको नेट एग्जामिनेशन मिस करना पड़ेगा और आप नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं। तो क्वालिफाई उसी शर्त पे कर सकते हैं, आप जेआरएफ भी ले सकते हैं। अगर आपकी फर्स्ट पेपर अच्छी है और सेकंड पेपर तो आपका सब्जेक्ट वो अच्छा होना ही है, अगर ये दोनों की कॉम्बिनेशन बनती है तो डैम श्योर आई एम गिविंग यू गारंटी, इन दिस ईयर यू कैन अचीव जेआरएफ एंड यू कैन गेट 40 अबाउट 40,000 रुपीज एज ए स्कॉलरशिप। आप वहां तक पहुंच सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, और जितने सारे गवर्नमेंट से आप पैसा लेंगे वो सारा अकाउंट में रखना नहीं है, अपने रिसर्च पे अपनी क्वालिटी पे खर्च करनी है। जब आप खर्च करेंगे तो और आपकी क्वालिटी बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स आज शायद आप समझ गए होंगे क्या करना है, कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को रटना नहीं है, उसके पैटर्न्स को पकड़ना है, और अपनी जो सब्जेक्ट है आपकी इस सब्जेक्ट पे पकड़ तो होनी ही चाहिए, लेकिन फर्स्ट को इग्नोर नहीं करना है। फर्स्ट पेपर अभी आपको मेहनत करना है, उसमें रीजनिंग्स हैं, जीके हैं, हायर स्टडीज़ है, फिर पॉलिटी है, गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इस सारे जितने भी सेक्शंस है ना, सब सेक्शंस को थोड़ा थोड़ा देखना है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में आपको मोर देन 60% स्कोर करना ही पड़ेगा। जब आप मोर देन 60% स्कोर करते हैं फर्स्ट में और सेकंड में जितना हो जाए, अगर मोर देन 60 हो जाता है तो मे बी आप जेआरएफ हो जाएंगे, अगर उससे कम रहता है तो निश्चित रूप से आप नेट होंगे। तो थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।